मेरे रसूल करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम के सामने आपके सहाबी अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम, फलां कबीले की औरत ने चोरी की है, आपने उसका हाथ काटने की सजा दी है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम, उन्होंने अभी नया नया कलमा पढ़ा है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको सजा ना दे, उनकी सजा को अभी मौखर कर दें। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालात अभी ठीक नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको सजा जरूर दी जाएगी, उसको जरूर सजा मिलेगी। हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने मेरी सिफारिश डाली है। हजरत अंस बिन मालिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े महबूब सहाबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुप कर, उसको सजा नहीं मिलेगी, उसको जरूर सजा मिलेगी। अगर उसकी जगह मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी होती तो मैं उसको भी उसका हाथ काटने की सजा सुनाता। अल्लाहु अकबर।